जी, मेरे पास ये अपडेट है पाकिस्तान बार काउंसिल की 21 जनवरी 2022, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है इस जो है प्रेस रिलीज़ को लेके। तो मैं यहाँ पे आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करना चाह रहा हूँ कि आया पासिंग स्कोर जो हैं लॉग एट के वो 45 हैं या 50 हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो जस्ट इस प्रेस रिलीज़ को ले के लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती उन लोगों की जो लोगों को जस्ट थोड़ा सा अपना ज़ाती मफाद के लिए मिसगाइड करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं जी कि ये बिल्कुल प्रेस रिलीज़ जो है वो अवेलेबल है, ठीक है जी। ये प्रेस रिलीज़ आई है पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से 21 जनवरी, यही 22 जनवरी, सॉरी 21 जनवरी 2022 को। इसके अंदर जो पैरा नंबर 5 है, इसके अंदर जी इन्होंने लिखा है जी कि जो पासिंग स्कोर हैं वो 45-50 से कम करके 45 कर दिए जाएं। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस ये जस्ट सिर्फ पाकिस्तान बार काउंसिल की एक प्रेस रिलीज़ है और रेजोल्यूशन है, ये डिसीजन नहीं है। डिसीजन देना है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त जो फाइल है वो पेंडिंग है, उसके ऊपर अभी फैसला आना है। आप लोगों को उसके लिए वेट करना पड़ेगा। मैंने अभी पाकिस्तान बार काउंसिल कांटेक्ट किया, मैंने अभी पंजाब बार काउंसिल कांटेक्ट किया जी कि क्या पासिंग स्कोर 50 से कम करके 45 कर दिए गए हैं। तो मुझे पंजाब बार काउंसिल वालों ने कहा जी कि सर, हम 50 नंबर पे या 50 नंबर से जायद पे लाइसेंस इशू करके देने के मजाज हैं, इससे कम अगर किसी के होंगे तो हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। क्योंकि जो पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जो लेटर सर्कुलेट कर रहा है वो एक जस्ट एक प्रेस रिलीज है, वो कोई ऑर्डर नहीं है, वो जस्ट एक रेजोल्यूशन है। आप समझें इस फर्क को कि ये जस्ट एक रेजोल्यूशन है, ना कि एक ऑर्डर है। ऑर्डर देना है जी सुप्रीम कोर्ट ने, उसको हम फॉलो करने के मजाज हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल रब्ता किया, उन्होंने भी यही कहा जी कि जस्ट एक हमारी तरफ से प्रपोजल है, हमारी तरफ से ये रेजोल्यूशन है, हमने जो प्ली है वो फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वही जो है इम्प्लीमेंट होगा। तो लिहाजा जो पासिंग स्कोर हैं अभी तक वो 50 हैं, 45 बिल्कुल भी नहीं है। जो आप लोगों को कह रहा है वो बिल्कुल गलत कह रहा है, ठीक है जी। मैंने पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल से कंफर्म किया है। हाँ, कल को परसों को 3 दिन बाद अगर ऑर्डर आ जाता है तो फिर 50 से कम हो के पासिंग स्कोर 45 पे भी आ सकते हैं, 40 पे भी आ सकते हैं। वो तो जो उनका दिल चाहेगा वो कर देंगे। अभी तक यही 50 नंबर जो पासिंग स्कोर्स हैं यही वैलिड हैं। मैं भी दुआगो हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग भी अपनी मेहनत और कोशिश जारी रखें। जो भी आप लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं पाकिस्तान बार काउंसिल में या पंजाब बार काउंसिल में या सिंध बार काउंसिल में या बलूचिस्तान बार काउंसिल में जो मेम्बर्स हैं उनके, आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट करें, उनके आगे अपनी प्ली रखें सर के पासिंग स्कोर जो 50 हैं वो ज़्यादा है, इनको कम करवा के कर ली 45 या 40 करवाएं। तो मज़ीद देखते हैं जी कि 1, 2, 3, 4, 5 दिनों के अंदर या आगे आने वाले दोनों के अंदर क्या फैसला सामने आता है, क्या ऑर्डर सामने आता है। अभी तक के लिए मैं आप लोगों को ये कन्फर्म बता रहा हूँ कि पासिंग स्कोर जस्ट 50 है, 45 अभी तक नहीं हुए। अल्लाह करे कि ये हो जाए, क्योंकि ये आप सब लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच।